सदस्य श्याम सिंह यादव, उनका कार्यकाल आपके हिसाब से कैसा रहा? श्याम सिंह यादव यहाँ कभी कोई जानबे नहीं करता है, अच्छा, ना कभी दिखाई पड़े हैं, सांसद तो बसपा के हैं। आज तक के इतिहास में सबसे थर्ड क्लास के एमपी चुने गए और हम लोगों ने उनको वोट भी दिया था गठबंधन के नाते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनको पहचान पाऊंगा। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं वीर बहादुर सिंह। चुनाव नज़दीक है, 2024 का लोकसभा आ गया है। सी चुनावी माहौल को जानने के लिए आज हम शाहगंज बाज़ार में मौजूद हैं और जानेंगे किस पार्टी का यहां है दबदबा। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानेंगे उनका रुख इस बार चुनाव में किस तरफ है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर दर्जी का काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं। इधर एक चाचा जी बैठे हैं, उनसे सर्वप्रथम बातचीत का शुरुआत करेंगे। नमस्कार चाचा जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद जायसवाल जी। इस समय लोकसभा 2024 का चुनाव आ गया है अप्रैल माह में, जहां से सूत्रों की माने तो चुनाव होने के आसार हैं जी। तो आप शाहगंज बाजार, ये बाजार का मिड पॉइंट है, तो आप लोग को यहां पे तरह तरह के लोग मिलते होंगे, तरह तरह की जानकारियाँ मिलती होंगी। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी के नाम ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं? भाजपा के अलावा किसी पार्टी में कोई दम नहीं रह गया है। जब भाजपा के अलावा किसी पार्टी में दम नहीं रह गया है, गठबंधन मना था, चार पीस हो गया बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, कांग्रेस को कोई भावे नहीं दे रहा है। तो आपका कहना है मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेंगे? लगता तो यही है, लगता तो मोदी जी को चुनने का क्या कारण है कि मोदी जी को बार बार लोग ही चुन रहे हैं? भाई उनका काम सबको पसंद आ रहा, तब ना चुन रहे हैं। अगर बात की जाए, हम स्थिरता कोई पार्टी देने की स्थिति में रही नहीं गई है, ना कांग्रेस में कोई दम रह गया है, ना और किसी पार्टी में कोई दम रह गया है। आज उसके अलावा कोई पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही है, कांग्रेस एकदम दूर दूर नजरें नहीं आ रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर बात की जाए जौनपुर की, इसमें जौनपुर में अभी लोकसभा सीट भाजपा इस बार जीतेगी। भाजपा का कोई कैंडिडेट अभी कैंडिडेट तो दर्जनों हैं। देखिए किसके भाग में आता है, भाग में सीट आती है, सीट जिसके भाग में, इन सबका क्या हाल रहेगा? जो भी आएगा जीतेगा। एक प्रत्याशी अक्सर रहते हैं, निर्दल हैं, इस समय किसी पार्टी के अभी नहीं आया, धनंजय सिंह, जो कि काफी उत्सुकता से भी चुनाव में हाथ लगा रहे हैं, वो भी मैंने मेहनत कर रहे हैं प्रत्याशी बनने के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन तो एकदम धराशायी हो गया, जदयू से पहले तकदीर अजमाना चाह रहे थे, सोच रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन बना तो जदयू से हमको अवसर मिलेगा लड़ने के लिए, लेकिन वो उनकी पार्टी खुद ही भाजपा में आ गई एनडीए में, जदयू तो खुद ही इस समय भाजपा पैरोकार बन गई। अब धनंजय सिंह को तो टिकट मिलने की संभावना ही नहीं रह गई है, नहीं रह गई है। या जब भी आ गए तो भाजपा का ही प्रत्याशी आएगा। जब बात करते हैं, आपका क्या नाम है सर? देवी प्रसाद जायसवाल। सर एक सवाल सेम आपसे मैं भी पूछना चाहूँगा, कल लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर आप, किसी अगर कोई भी पार्टी का नेता आता है, किन मुद्दों पर इसे चुनना चाहेंगे? मुद्दे देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे धारा 370 समाप्त किया, मंदिर बनवाया राम जी का, वाराणसी में बना काशी विश्वनाथ का, दूसरे गरीबों को मकान मिला, गैस मिला, लैट्रीन मिला, बिना भेदभाव के सभी लोगों को मिला। आखिर आप बताइए, ऐसे आदमी नहीं चुना जाएगा, किसको चुना जाएगा? बात आपकी सही है, लेकिन अगर बात की जाए शाहगंज की, ठीक है, तो भाजपा सरकार सत्ता में है, लेकिन यहाँ का जो सांसद है श्याम सिंह यादव, उनका कार्यकाल आपके हिसाब से कैसा रहा? श्याम सिंह यादव यहाँ कभी कोई जानबे नहीं करता है, अच्छा, ना कभी दिखाई पड़े हैं, सांसद तो बसपा के हैं, काम सपा का करते हैं, बाजार में दिखाई नहीं देते हैं। जो वो दिखाई ही नहीं दिया, आपको मानना है? कभी साल में दिखाई नहीं पड़े, पाँच साल का दिन बीते जा रहा है, आज तक हम लोगों ने कभी उनका चेहरा नहीं देखा पाँच साल में चुनाव के बाद। कोई भी मान लीजिए, कोई भी यहाँ से भाजपा या कोई भी जीतता प्रत्याशी, तो आपकी कुछ उनसे मांगे रहेंगी कि ये अगर शाहगंज में हो जाए तो शाहगंज के लिए बेहतर होगा? शाहगंज को जिला घोषित करने की आप लोग की मांग है? मांग है, हाँ, शाहगंज को जिला घोषित करें। इतनी बड़ी तहसील है, छोटे छोटे तहसील जिला हो गए, यहाँ तो सब कुछ है,
चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कल हैं, सलमान अख्तर। सलमान जी भी यहाँ पे आपके तागंज बाजार में मौजूद हैं और हम चुनावी माहौल पे चर्चा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे लोग तरह तरह के लोग आते होंगे कपड़े सिलाने, तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की बात हो रही है, किसी ऐसे प्रत्याशी की बात हो रही है, इस प्रत्याशी को अगर टिकट मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा? बात यहाँ पार्टी और प्रत्याशी की नहीं है, कैंडिडेट जो अच्छा रहेगा इंसान उस पर उस मुद्दे पे बात करेगा। हमको विकास चाहिए, जो विकास के लिए बात करेगा हम उसके लिए उसको चुनेंगे। अगर बात की जाए किस बाजार के, जैसे आपके हिसाब से कोई नाम उभर कर आ रहा तो उस बारे में आप पहले बात करिए। नाम नहीं है हमारे हिसाब से, तो इस समय यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं शत्रुजय सिंह, लड़ रहे हैं मनोज सिंह, लड़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश सिंह, लड़ धनंजय सिंह, लड़ रहे हैं जी हाँ कई अभी चर्चा करने का विषय तब बनेगा जब किसी का नाम सामने खुल कर आएगा। बात नाम की ठीक है जी हाँ, लेकिन अगर बात की जब किसी पार्टी की, ये भाजपा हुआ, बसपा हुआ, कांग्रेस हुआ या गठबंधन से, तो ये सब पार्टियां हमेशा से जो है मार्केट में रहती हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। जी जी, देखिए पार्टी विशेष की तरफ आप जाते हैं या किसी प्रत्याशी की, प्रेजेंट टाइम में पार्टी बेसिस पे चुनाव आपके हिसाब से हो रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे ये पूछना चाहता हूं कैसे आप कैसे चुनेंगे, पार्टी विशेष पे किसी चुनेंगे या प्रत्याशी चुनेंगे? प्रत्याशी बेस पे चुना जाएगा। प्रत्याशी बेस जी हाँ। तो आपके शाहगंज में ऐसा कोई प्रत्याशी लग रहा है कि अगर उसको टिकट मिल जाए तो शाहगंज की दिशा और दिशा बदल सकती है? बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है, ये तो नाम आने पे बताया जाएगा। इस वक्त जो है कि वो अपनी भावना को हम प्रकट कर नहीं सकते, वो तो जी हाँ नहीं नहीं करना नहीं चाहिए, क्योंकि सियासत का जो है मामला थोड़ा अलग होता है। जी हाँ, अब हमारे पिताजी भी बताएंगे आपको आगे। कौन है? आइए आइए सर, आइए इधर आ जाइए। हाँ ठीक जी जी, क्या नाम है आपका? फिरोज अहमद। फिरोज सर, ये हम जानना चाहेंगे जो एक आप लोग का मुस्लिम समुदाय है, उसका रुझान इस तरफ किस तरफ है, किसी पार्टी विशेष की तरफ या किसी व्यक्तिगत प्रत्याशी की तरफ? नहीं देखिए, फिलवक्त तो रुझान जो है प्रत्याशी के हिसाब से अभी जो हमारे विधायक है शाहगंज में, बहुत उन्होंने काम करवाया है, उससे सुनिए मैंने बात सुनिए, उससे मुतासिर होकर के लोग, उनसे इम्प्रेस होकर के भाजपा की तरफ लोग जो है थोड़ा मतलब उनका रुझान ज़्यादा है, इसलिए कि उधर वहाँ जो है इंटरलॉकिंग, उधर काम चारों तरफ बहुत दिनों से काम रुका हुआ, बहुत सारा काम वो करवा रहे हैं, तो लोगों के जहन में है, लोग मूड बना रहे हैं कि एक मरतबा कोई वो क्या नाम से भाजपा पार्टी से कोई सांसद आवे, उनसे भी हम अपना काम करवाएं, शाहगंज का विकास हो खास तौर से, जिसे यहाँ पे गर्ल कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, इन सब चीज़ों की लोगों को डिमांड है। बात समझ रहे हैं ना जी? बिल्कुल। आइए नौजवान से बात करते हैं, क्या नाम है भैया आपका? गुफरान। गुफरान, देखिए यूथ जो होते हैं किसी भी ज़िले, किसी भी शहर, देश में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। जी जी, तो युवाओं का क्या मोटिव रहेगा कि कोई भी सरकार आए या कोई भी पार्टी आए, कोई भी नेता रहे, तो आपकी उनसे क्या उम्मीद रहेगी, इन मुद्दों पे उनको काम करना चाहिए? भाई उम्मीद तो जो है, असल में देखिए पब्लिक सिटी जो होती है, जो पब्लिक के लिए जो भी काम करे, चाहे वो सिटी बाई एरिया का काम हो या फिर अपने मोहल्ले का काम हो, तो वो सब भाई जो भी हैं जिनके अंडर में रहता है वो लोग को करना चाहिए। इस चीज़ पे हमारी राय है कि भाई सब लोग अपना अपना जो भी है देखें और गौर करें इस चीज़ को। पब्लिक देखिए तभी जब अगर कोई कुछ करेगा किसी के लिए, पब्लिक के लिए, तभी पब्लिक आपके लिए करेगी। पब्लिक आपके लिए करेगी जी, अगर आप पब्लिक के लिए नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक आपके लिए नहीं करेगी, फिर चाहे आप वोट पैसा दे के ले या फिर चाहे ईमानदारी से ले, भाई तो पब्लिक है। बिल्कुल, यहाँ पे पार्टी भी दमक आजमा रही है, कुछ ऐसे नेता भी हैं जैसे सांसद धनंजय सिंह जिनका पार्टी अभी कोई फिक्स नहीं है, वो भी चुनाव मैदान में है, तो आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए उनका काम जो है फिलहाल तो सही करते हैं, वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला वो सही होंगे और कामयाब भी होंगे। उनका जो चुनाव में आने का जो सिलसिला है, जिस तरीके का अंदाज है, जिस तरीके से वो अपना काम करते हैं, बहरहाल वो ठीक करते हैं। अब आगे चल के वक्त तो भाई, इस समय धर्म की दुकान चल रही है और दुकानदारी बढ़िया चल रही है, बनना तो चाहिए इंडिया की सरकार, लेकिन जो दुकानदारी इस समय चल रही है, अब देखिए जनता क्या फैसला लेती क्या है, फैसला लेती है जी। अगर बात कीजिए जौनपुर लोकसभा की, तो कई प्रत्याशी जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रत्याशी को, या इंडिया गठबंधन हो या भाजपा या बसपा कांग्रेस, उससे टिकट मिले तो काफ़ी बेहतर रहेगा? नहीं, इंडिया गठबंधन में जो भी कैंडिडेट आएगा वो जौनपुर का चुनाव जीतेगा,
क्योंकि पिछला भी इतिहास रहा है, पिछले चुनाव में भी मोदी योगी की आधी कहीं काम नहीं आई। यादव जी हमारे श्याम सिंह यादव जी सांसद बने। विपरीत परिस्थितियों में भी योगी मोदी के लहर के बाद भी श्याम सिंह यादव यहाँ सपा बसपा के गठबंधन में चुनाव जीते। तो यह सीट पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की है, कैंडिडेट जो भी आएगा वो चुनाव जीतेगा। अगर बात की जाए श्याम सिंह यादव की, तो सागंज में ऐसे कोई कार्य उनके हों जो आपको पसंद आए हों? नहीं, श्याम सिंह यादव सबसे आज तक के इतिहास में सबसे थर्ड क्लास के एमपी चुने गए और हम लोगों ने उनको वोट भी दिया था गठबंधन के नाते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनको पहचान पाऊँगा। यहाँ पर देखिए हम सागंज बाज़ार में मौजूद थे, यहाँ पे लोगों ने अपने विचार को व्यक्त किए, उन्होंने बताया कि कौन सी पार्टी जीत रही है, किस वजह से जीत रही है। चलिए और आगे लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।